नॉर्म्स के अनुसार जो रूल रेगुलेशन ऑल ओवर वर्ल्ड के स्टूडेंट फॉलो करते हैं, वही रूल रेगुलेशन आप सभी स्टूडेंट भी यूज करेंगे। और वो पहले वर्ड रूट आपको फॉलो करना होगा जो इस संस्था के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। जैसे 0, 1, 2, 3 ये सभी डिजिट के लिए पार्टिकुलर वर्ड रूट प्रोवाइड किया गया है और वर्ड रूट से एब्रिविएशन निकाला गया है। बट पर ध्यान बनाए रखिए, 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई और इसका संक्षिप्त एब्रिविएशन फॉर्म टी, 4 के लिए क्वाड, इसका एब्रिविएशन क्यू, 5 के लिए पेंट और इसका शॉर्ट पी, 6 के लिए हेक्स, एच इसका एब्रिविएशन होता है 7, सेप्ट एब्रिविएशन एस, 8 के लिए ऑक्ट एब्रिविएशन ओ और 9 के लिए इन एब्रिविएशन ई। अब जरा सभी स्टूडेंट अच्छे से ध्यान देंगे कि अगर हम 111 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का सिंबल और उसका नेम डिटरमाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। चलिए ध्यान दिया जाए, 111 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का IUPAC नोमेनक्लेचर ध्यान दिया जाए। यहाँ पर हम लोग 1 के लिए जो वर्ड रूट फॉलो करने जा रहे हैं वो क्या होगा, अन। नेक्स्ट 1 के लिए जो वर्ड रूट हम फॉलो करेंगे वो भी होगा अन। थर्ड डिजिट भी 1 है और उसके लिए जो हम लोग फॉलो करेंगे तो उसके लिए भी अन। तो यहाँ अन और सभी एलिमेंट के नेम के एंड में आपको IUM अटैच करना है। क्या अटैच करना है, IUM। तो पूरा नेम क्या हो गया, अन नियम ठीक है। और इसका कंप्लीट जो सिंबल होगा वो सिंबल यहां से डिटरमाइन होता है। इसका सिंबल होगा U U U और आपके पास अगर पीरियोडिक टेबल है तो आप देख लीजिए 111 U U U अन नियम। चलिए नेक्स्ट एक और देखते हैं,
109. अब सभी स्टूडेंट बताएंगे और हम लिखेंगे. सबसे पहले वन के लिए अन, जीरो के लिए नील, नील, और नाइन के लिए इन, और लास्ट में सिंबल ऑफ द एलिमेंट यू एन ई, यू एन ई. यहां पर देख सकते हैं इसका फर्स्ट लेटर यू, एन ई. क्या बोल रहे हैं? ध्यान से आप सभी स्टूडेंट सुनेंगे, ध्यान देंगे. किसी भी एलिमेंट का दो नेम होता है, पहला कॉमन नेम और दूसरा आईयूपीएसी नेम, और उसके आधार पर सिंबल डिटरमाइन होता है. जो कॉमन नोमेनक्लेचर होते हैं उसका रूल रेगुलेशन है नेम ऑफ डिस्कवरर, सोर्स ऑफ डिस्कवरी. मतलब जो जिसने खोज किया उसके नाम के आधार पर, जैसे रदरफोर्डियम आरएफ, एटॉमिक नंबर 104, और हम लोग 104 का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अन नील क्वाड्रियम. हम लोग क्या लिखेंगे इसका सिंबल? सिंबल क्या लिखेंगे? यू एन क्यू. और आपके पीरियोडिक टेबल में है रदरफोर्डियम आरएफ. तो रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया और इसी का आईयूपीएसी नेम अब हम बता सकते हैं, अन नील क्वाड्रियम यू एन क्यू. और दोनों सही, ये कॉमन नोमेनक्लेचर और ये आईयूपीएसी. हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? आईयूपीएसी. तो उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट अच्छे से इसको समझ गए होंगे. अगर समझ गए तो आप इन सारे क्वेश्चन के आंसर को आप देंगे न्यूमेरिकल, सॉरी ऐसे हमने ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिया. न्यूमेरिकल रूट्स और वर्ड रूट्स आर रिटेन टुगेदर इन ऑर्डर ऑफ डिजिट प्रेजेंट इन एटॉमिक नंबर. यानी एटॉमिक नंबर में जो भी डिजिट प्रेजेंट होते हैं उसको आपको लिखना है उसके अकॉर्डिंग, और लास्ट में क्या करना है? एंड विद सफिक्स IUN. अब यहाँ पर 111 का आप समझ गए, 109 का समझ गए. आपको इन सभी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग IUPAC नेम और सिंबल लिखना है. IUPAC नेम और सिंबल. ये था आपका आज का क्लास. अगर आपको अच्छे समझ में आए तब इसको शेयर, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करें. थैंक यू.